स्टार प्लस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो रही है शुभम और सुहाना की मैरिज। परिवार मना रहा है हर रस्म बड़े ही धूमधाम से। आज संगीत में बॉलीवुड की देवरानी जेठानी की थीम रखी गई है जिसमें नायरा बड़ी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि वो बनने वाली है अब जेठानी। नायरा स्टेज पर जब कर रही थी सुहाना के साथ डांस, तभी कार्तिक की नजर पड़ती है उसके फटे हुए ब्लाउज पर और वो भाग कर आ जाता है नायरा के पास। कार्तिक नायरा को बड़े प्यार से दुपट्टा ओढ़ाता है और फिर शुरू हो जाता है ये प्यारी जोड़ी का रोमांटिक डांस। घर के ऐसे खुशियों के माहौल में होने वाला है कुछ हंगामा, तो क्या होगा आगे? टेलीविजन की ऐसी खट्टी मीठी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मेहंदी में सुहाना टक्कर दे रही है नायरा को और नायरा टक्कर दे रही है सुहाना को, सो दैट्स द मेन सीक्वेंस जो ये मेहंदी में होने वाला है, क्योंकि सुहाना का जो भी सच है वो नायरा के सामने आ गया और दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया है, तो यही वो चाले चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी वो जीत जाती तो कभी मैं जीत जाती हूँ। बहुत ही सुंदर ये लहंगा है, आई लव द कलर एंड द कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस। ये कॉन्ट्रास्ट जो ब्लैक दुपट्टा के साथ हमने किया है एंड विद दिस गोल्डन ज्वेलरी, इट्स वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। ऐसा लहंगा नायरा ने अभी तक पहना नहीं है और इट्स वेरी न्यू एंड वेरी नाइस। मेरे भी कपड़े बहुत अच्छे। चिकन कुर्ती नहीं, चिकन कढ़ाई। नायरा को ये पता चलता है कि उन लोगों के जो नाम है सविता, सुहाना और राहुल, ये उनके नकली नाम है। और उसके नाम क्या? उनके असली नाम कुछ और हैं, तो वो फिर अब उनके नामों से और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें फिर कुछ और पता चलता है, वो क्या है? कुछ आर्टिकल्स आए हैं वो पुराने नाम को लेके, तो उनको देख के उन्हें कुछ लगता है और फिर कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें पता चली, लेकिन उससे पहले जो रस्में हो रही है वहाँ पर भी नायरा जो है वो हर रस्म में टांग अड़ा रही है और नहीं चाहती कि कोई भी रस्म बराबर हो या कोई भी रस्म में वो गैर फ़ायदा उठाए, क्योंकि नायरा को और कार्तिक को दोनों को ये बात तो पता चल गई कि वो बहुत ग्रीडी है, उसकी नज़र हमारे पैसों पे है, हमारे गहनों पे है, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी को बुरा भी ना लगे और जो वो चाहती है वो भी ना हो पाए।